So dear students, we have this question. It is a very important kind of question on concave mirror. ये बहुत simple सा लेकिन important question है, इसको हम करेंगे. 2011 का AMU 11th and Diploma Engineering Entrance Test का question है. Question पढ़ रहा हूँ. An object 5 cm in size, ठीक, एक object है जिसका हमें size दे रखा है, ठीक, क्या दे रखा है हमको, ये size दे रखा है. Is placed at 25 cm, 25 cm दूर रखा हुआ है, in front of a concave mirror. This is important. Concave mirror दे रखा है. Of focal length, focal length कितनी दे रखी है? 20 cm दे रखी है. And a sharp image is obtained on the screen placed at a proper location. किसी location पर कोई screen रखी हुई है, वहाँ पर उसकी image बनती है. ठीक? उस particular location की, वो हमें location कहाँ पर है ये नहीं दे रखा. Placed at a proper location, what is the height of the image? Height of the image पूछी गई है. और ये लिखा हुआ है -20 cm, -10 cm, -6 cm, +20 cm. Height of the image positive भी हो सकती है, negative भी हो सकती है. Height of the object तो हम positive लेंगे, हम erect हमेशा object को रखते हैं. अब image की height हमें निकालनी है, ठीक. तो हम देखिए, मैं students को ये suggest करता हूँ, सबसे पहले आप formula लिखिए, फॉर्मूले से आपको पता लगेगी बात, ठीक. तो इसको करना शुरू करते हैं, इधर सॉल्व करते हैं. क्या क्या दिया हुआ है हमें, गिवन लिखते हैं सबसे पहले. व्हाट आर द थिंग्स गिवन टू अस. कॉनकेव मिरर दे रखा है. कौन सा मिरर दे रखा है? कॉनकेव. ओके, कॉनकेव मिरर दे रखा है. डायमेंशंस कैसी होने वाली है? फोकल लेंथ वगैरह की निगेटिव होने वाली है, ठीक. कॉनकेव मिरर दे रखा है और दे रखा है एन ऑब्जेक्ट 5 cm इन साइज, ठीक है. तो एच कितनी दे रखी है? एच दे रखा है 5 cm. नाउ द सेकंड थिंग इज दैट प्लेस्ड एट 25 cm इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव मिरर. ठीक, कॉनकेव मिरर ऐसे ही तो बनेगा, ठीक. तो ऑब्जेक्ट को आप इधर ही तो रखेंगे, तो ये आपको दे रखा है 25 cm, तो ये कैसा हो जाएगा, निगेटिव होगा या नहीं होगा? तो क्या चीज है बेसिकली? यू है. तो u इज इक्वल टू -25 cm. ओके, u दे दिया इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 20 cm. फोकल लेंथ कितनी होगी? फोकस भी इधर ही की तरफ होगा ना, फोकस भी इधर ही होगा. तो फोकस कितना दे रखा है? 20, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में है, तो हम क्या लिखेंगे? -20 cm. तो फोकल लेंथ इज इक्वल टू -20 cm. देखिए, यही बस इंपॉर्टेंट चीज है कि यहां पर 20 दे रखा है, लेकिन हम न्यूमेरिकल में वैल्यू -20 रखने वाले हैं. एंड ए शार्प इमेज इज ऑब्टेंड ऑन द स्क्रीन एट ए प्रॉपर लोकेशन. व्हाट इज द हाइट ऑफ द इमेज? हमसे पूछी क्या है, ठीक है. जो चीज पूछी है वो मैं राइटिंग से लिख देता हूं ताकि आपको ध्यान आए. हमसे ये पूछिए हाइट ऑफ द इमेज, एच डैश पूछी है, ठीक है. एच डैश का जो फॉर्मूला है वो लिख देते हैं. हमारे पास एच डैश का एक ही फॉर्मूला है मैग्निफिकेशन फैक्टर में, ठीक. मैग्निफिकेशन फैक्टर में हमारे पास एक ही फॉर्मूला है और वो है एच डैश अपॉन एच. अब देखिए, हमें सिर्फ एच पता है, मैग्निफिकेशन पता है ही नहीं, और ये हमें पता करना है. तो इसका मतलब कि कोई एक लिंक और भी होना चाहिए. तो हाँ, एक फॉर्मूला और है जो मैग्निफिकेशन फैक्टर का है, वो है -V/U. तो हमको यू दे रखा है, सिर्फ हमको यू की वैल्यू दे रखी है -25 cm. -25 cm जब हमें u की वैल्यू दे रखी है, तो आप ये बताइए कि अगर हम v निकाल लें, अगर हम यहां पे क्या निकाल लें, v की वैल्यू निकाल लें, तो ये वैल्यू पता चल जाएगी हमें. जब ये वैल्यू पता चल जाएगी, तो h दे रखा है, इसको h से मल्टीप्लाई कर देंगे, h डैश निकल आएगा. तो अब हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या होना चाहिए? हमारा टारगेट होना चाहिए कि v की वैल्यू निकालें. v की वैल्यू कैसे निकालेंगे? v की वैल्यू हम मिरर फॉर्मूले से निकाल लेंगे. 1/u + 1/v इज इक्वल टू 1/f. दिस इज द मिरर फॉर्मूला. ओके, इसके जरिए अब यहां हमें क्या क्या नहीं पता है? यहां हमें सिर्फ v ही नहीं पता है, बाकी u और f पता है. वैल्यू रख देते हैं. u की वैल्यू कितनी दे रखी है? 25, -25 दे रखी है. तो 1/-25 प्लस v की वैल्यू हमें पता नहीं है. f की वैल्यू कितनी है? f की वैल्यू -20 cm. ओके, -20. ओके, f की वैल्यू रख दी
u की वैल्यू रख दी, v की वैल्यू निकाल लेते। v की वैल्यू कैसे निकालेंगे? 1 अपॉन v इज इक्वल टू 1 अपॉन 25 माइनस 1 अपॉन 20। ये माइनस ऊपर पहुंच जाएगा, ठीक है। ओके, इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। इनका एलसीएम कितना आ जाएगा? 25 और 20 का एलसीएम कितना होता है? 100 होता है। तो ये हो जाएगा 100। 100 को 25 से डिवाइड कर दिए, 4 आएगा। 4 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये आ जाएगा 4। ओके, 100 को 20 से डिवाइड कर दिए, 5 आ जाएगा। 5 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये आ जाएगा 5। तो ये आ जाएगा माइनस 1 अपॉन 100। तो v किसके बराबर हो गया? v बराबर हो गया माइनस 100 सेंटीमीटर। v की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास माइनस 100 सेंटीमीटर। यहां पुट कर देते हैं, इस जगह पे पुट कर देते हैं, ठीक। तो h डैश, अब देखिए मैं ये वाला फॉर्मूला लिख रहा हूं, h डैश अपॉन h इज इक्वल टू माइनस, ये माइनस साइन तो फॉर्मूले का हिस्सा है। v की वैल्यू कितनी है? माइनस माइनस सॉरी v की वैल्यू है माइनस 100। तो ये अब लिखिए माइनस 100, इसको ब्रैकेट में कर देते हैं क्योंकि ये माइनस है। यू की वैल्यू कितनी है? यू की वैल्यू माइनस 25 सेंटीमीटर। तो ये माइनस 25 अलग से हो गया, यहां भी सेंटीमीटर है, यहां भी सेंटीमीटर, ये कट जाने वाला है। ओके, ये माइनस माइनस से प्लस हो गया। 100 डिवाइडेड बाय 25 इज इक्वल टू 4, माइनस लगा हुआ है, ये आ गया आपका माइनस 4। ओके, तो एच डैश अपॉन एच किसके बराबर आ गया? माइनस 4 एच डैश अपॉन एच। एच डैश किसके बराबर हो जाएगा? एच डैश, एच की वैल्यू कितनी दे रखी है? एच की वैल्यू 5 सेंटीमीटर दे रखी है। तो 5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाई माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 20 सेंटीमीटर। इज दैट क्लियर टू यू? व्हाट इज अवर आंसर? ये एच डैश किसके बराबर आया है? एच डैश इज इक्वल टू माइनस 20 सेंटीमीटर। क्या आंसर है अवेलेबल? यस, आंसर है अवेलेबल। अब माइनस और प्लस की गलती से ये माइनस 20 की जगह प्लस भी आ सकता है, और ये यहां दे भी रखा है, और इसको आप बहुत खुशी के साथ लगा भी देंगे अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो, ठीक। तो आपको साइन बड़े एहतियात के साथ लाना है, साइन कन्वेंशन आपको बार बार देखना है। मैंने साइन कन्वेंशन का जो वीडियो अपलोड किया है उसको आप ध्यान से देख लीजिएगा, और कहां कौन सी चीज हम पॉजिटिव रखते हैं, कौन सी चीज नेगेटिव रखते हैं, ये बात आपको ध्यान में रहनी चाहिए, अदरवाइज न्यूमेरिकल गलत हो जाएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच, इसको नोट करिए।